हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट को 086 क्लास 10 के बच्चों का साइंस का पेपर दोस्तों आप लोग का कल होने वाला है 10 मई को। बच्चों का जो है साइंस का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है। तो आपने अगर साइंस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए ही होने वाला है, क्योंकि आज वीडियो में जो आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग 24 घंटे से भी कम समय में जो है अपने साइंस की तैयारी जो है 0 से 60, 70 या 100 तक भी आप ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोग पे। तो दोस्तों आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी क्लास 10 के बच्चों का जिनका जो है 10 मई को साइंस का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज जो है मैं आपको ऑल टू ऑल चैप्टर्स का जो है आपको शॉर्ट समरी नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, और ये नोट्स जो है कहीं दूसरे बुक्स के नहीं होने वाले, खुद एनसीईआरटी के होने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की वो चीजें जो है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं जिससे आप अपने रिवीजन को फटाफट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहां पे दिखाऊं तो सबसे पहले आप लोग देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आप लोग का टर्म 2 का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो वो चीजें जो आपको पढ़नी है, जो आप जिससे आपकी शॉर्ट रिवीजन हो, उन चीजों को मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी कुछ आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी के शॉर्ट समरी नोट जो है आप लोग के लिए होने वाला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इन सभी बच्चों के लिए। तो यहां पर देखिएगा कार्बन चैप्टर्स के हो गए, इसके बाद में आपको अगले चैप्टर का दिखाऊं तो यहां पर देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके शॉर्ट समरी आपको जल्दी जल्दी जो है साइंस की रिवीजन करने में, पूरी कंप्लीट रिवीजन करने में। तो यहां पर देखिएगा हर एक चीजें जो है आपका प्रॉपरली वे में जो है यहां पे आपके कार्बन चैप्टर के नोट्स हो गए। इसके बाद हम बात करें तो आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है, तो कार्बन चैप्टर के बाद जो आपका अगला चैप्टर है, तो अगला चैप्टर कौन सा है, तो यहां पे देखिएगा अगला चैप्टर दिखाऊं उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो ये देख सकते हैं। अगला चैप्टर जो है बात करें तो पीडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी आपके जो शॉर्ट समरी नोट्स है तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स हो गया, मेंडलीव हो गया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल हो गया, तो ये सारी चीजें यहां पे देखिएगा, पूरी कंप्लीट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है यहां पे देख सकते हैं। आपकी बात करें तो यहां पे डोमिनेंट ट्रेट्स जो थे उनकी लिमिटेशन क्या थी, तो सारी चीज पढ़ लीजिए। न्यूलैंड जो था, न्यूलैंड के जो है लॉ क्या कहता था, आपके एलिमेंट्स को किस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था, मेंडलीव का जो है क्या था, तो लिमिटेशन भी जो है सभी चीजों को देख सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए, वो नेक्स्ट लेवल जो है बूस्टअप करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऑल टू ऑल चैप्टर्स का देख सकते हैं दोस्तों, ये टोटल 126 पेजेस का जो है ये पीडीएफ होने वाला है, जो कंप्लीट है, जो पूरी कंप्लीट है आपके आपकी साइंस की तैयारियों के लिए, यानी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये टोटल 126 पेजेस का पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, सारे के सारे चैप्टर्स को फटाफट रिवीजन कर लीजिए, 1 से 2 घंटे में फटाफट रिवीजन कर लीजिए, 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं तो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जल्दी से जल्दी जो है एनसीईआरटी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है। तो ऐसे में अगर आप लोग एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ते हैं देन आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़कर कोई बुक नहीं होने वाला, सारी बुक्स दोस्तों एनसीईआरटी से ही बनती है। तो एनसीईआरटी के नोट्स आप लोग ले लेके आए हो, यहाँ पे मेटलिक करेक्टर, नॉन मेटलिक करेक्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्लस क्वेश्चंस भी है। तो एवरी चैप्टर्स जो आपके टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स आपको लेके आए हो, केस स्टडी के क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के बाद जो है लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर के भी क्वेश्चन है, लेकिन आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के, यही 3 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे 1 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यानी कि स्पीड में आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि एनसीईआरटी का पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का कौन सा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, यानी सीबीएसई बोर्ड बार-बार उसे रिपीट कर रही है, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग यहां पे देखिएगा। यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहां पे मेंशन है, ये 2019 में पूछा गया था, सेट 31-13 वाले पेपर में पूछा गया था। तो इस तरीके से जो है यहां पे हर एक चीजें मेंशन की गई है जो काफी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके साइंस से जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कराता रहता हूं, और हर एक सीबीएसई बोर्ड की अपडेट से लेकर जो भी चीजें होती है वो सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपनी साइंस को लेकर तैयारी करते रहिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो जो है क्या कर सकते हैं, हमारे ड्राइव पे जा सकते हैं, आपको फिर भी पीडीएफ ना मिले आप जो है मुझसे डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या फिर जो है आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली जो है मैसेज कर दीजिए, ये सभी टाइप से जो है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बस एक बार आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे देन जो है मैं आपको डायरेक्टली जो है उसका पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन
आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो टेलीग्राम पे जाने के बाद जो है आपको कहीं किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ वहां से सिंपली आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।